लाल किले पर इन लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने तिरंगे को शर्मसार कर दिया पूरी दुनिया के सामने। आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर नहीं थे, इन्हें टैंक बना दिया गया था। ट्रैक्टरों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। इसके बाद जब आपके बच्चे, छोटे बच्चे भी कभी ट्रैक्टर को देखेंगे दूर से भी सड़क पर, तो उनके मन में एक डर का भाव आएगा कि ये ट्रैक्टर कहीं उनके ऊपर ना चढ़ जाए। अपने कर्तव्यों को भूलकर ये सारे वो लोग हैं जो सिर्फ अधिकारों की मांग कर रहे हैं, और इनका जवाब भी भारत के नागरिक ही दे सकते हैं, यानी आप लोग ही दे सकते हैं। तिरंगे के तीन रंग, केसरिया रंग में भरी शक्ति और साहस, सफेद रंग में लिपटी शांति और सच्चाई, हरे रंग में समाई इस मिट्टी की जरखेजी, प्रगति और अच्छाई, और बीच में कर्तव्य सिखाता अशोक चक्र। ये महज एक ध्वज नहीं, जीने का तरीका है। चाहकर भी कोई इसका अपमान नहीं कर सकता। इस तिरंगे को सबसे ऊपर लहराता देखने के लिए इनमें से ना जाने कितने लोगों के बेटे बेटियां शहीद हुए हैं, जिनकी लाशें हर महीने किसी ना किसी गांव में इसी तिरंगे में लिपट कर आती रही हैं। जीने की वजह से लेकर इस पर मर मिटने के लिए तैयार ये लोग भला इसका अपमान कैसे कर सकते हैं। इन लोगों की आंखों में यह चमक इसी तिरंगे ने तो भरी है। इसी के असूलों की हिफाजत करते ये लोग आज यहां तक पहुंचे हैं। असल में ये लड़ाई शुरू ही इन असूलों की वजह से हुई। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, जिसके गणतंत्र दिवस पर ये किसान अपने हकों की लड़ाई में शांतमयी परेड निकाल रहे हैं, 65 दिनों से दिल्ली की सड़कों पर लाखों की गिनती में बैठे ये किसान, इतने दिनों से ना तो कोई खराबी हुई और ना ही कोई तोड़फोड़, बल्कि आसपास के लोगों और बेजुबान जानवरों का पेट भी इन्हीं लोगों ने भरा। इस बात को नामंजूर नहीं किया जा सकता कि कुछ गरम ख्याली लोगों ने इस लहर की प्रतिष्ठा और आबरू को नजरअंदाज करके इस आंदोलन के विपरीत लोगों को समर्थन जरूर दिया है, मगर सवाल तो यह है कि ये सब आज ही के दिन क्यों? क्या सरकार इस बात को जानती नहीं थी, या जानबूझकर इस बात का इंतजार कर रही थी कि कुछ ऐसा हो और इस लड़ाई में बाधा डाली जा सके? और जरा सोचिए, इस सब का फायदा किसको होगा? क्या किसान खुद चाहेंगे कि लोग इस लहर से टूट जाएं? क्या वो चाहेंगे कि जो ये सरकार ढूंढ रही है वो थाली में परोस के दे दिया जाए? इन सब चीजों का नुकसान इस आंदोलन को ही है, तो कोई भी भला अपना नुकसान खुद ही क्यों करेगा? इस बात को जरा सोचिए और समझिए। तकरीबन 90% किसान अपने तय किए हुए रास्ते पर ही थे, लेकिन किसी भी नेशनल मीडिया चैनल ने यह बात नहीं दिखाई, और जो कुछ बाकी 10% लोगों ने किया उसे भी बाखूबी तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। हिंसा, दंगे, फसाद, यह सब कुछ आप पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन इस बार ना तो कोई दुकान लूटी और ना ही कोई इज्जत बेआबरू हुई, बल्कि किसी भी आम इंसान को एक खरोंच तक नहीं आई। ज्यादातर टीवी चैनल्स की हेडलाइन ऐसी थी जैसे पहले से सोच के ही बनाई गई हों। किसी ने नहीं दिखाया कि कितने शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की सड़कों पर लाखों की गिनती में ये किसान बिना किसी को नुकसान पहुंचाए तिरंगे के साथ किसानी झंडे पकड़कर अपने हकों की आवाज और बुलंद कर रहे थे। सिर्फ एक तरफा कहानी देखकर अगर कोई अंदाजा ना लगाया जाए तो बेहतर है, लेकिन इस सब के बावजूद बदला तो कुछ नहीं, ना ही इस आंदोलन का लक्ष्य, ना इन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग,
ना ही इन सब के अंदर की आग। पर इस बात को जरा धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर सोचिएगा, कहीं आप तो नहीं बदल गए।